नमस्कार, आप देख रहे हैं ENN भारत और मैं हूं आपके साथ नंदिता। किसी के प्रति अच्छी और बुरी धारणा बनाना मनुष्य की बस की बात नहीं होती। किसी के प्रति भावना या धारणा उसके कार्य को देखकर, उसके व्यवहार को देखकर अपने आप बनती है। अब आप देखिए, हमारे देश में बहुत सारे अभिनेता है, खिलाड़ी है, लेकिन वो सब के सब लोगों को अच्छे ही लगे ये जरूरी नहीं है, क्योंकि चाहे कोई भी हो वो अपने काम से ही महान बनता है। ऐसे ही हमारे देश में बहुत सारे राजनेता है, लेकिन वो भी सारे अच्छे नहीं होते। उनमें से कुछ को कुर्सी का लालच अच्छा बना देती है, लेकिन वे कुर्सी जब लंबे समय तक एक ही नेता के पास रह जाती है तो नेताजी में आ जाता है कुर्सी का अभिमान। इसलिए अभिमान और लालच का संतुलन में होना बहुत जरूरी है, और ये संतुलन बनाना जनता के हाथ में होता है। जनता को नेताजी का चाल चलन देखते हुए मतदान करना चाहिए, लेकिन असली नेता वही होता है जिसे बिना कुर्सी के भी जनता की फिक्र होती है, जिसके लिए जनता सर्वोपरि होती है। असली नेता वाली बात सुनकर आपको थोड़ा अजीब इसलिए लग रहा होगा कि इस घोर कलयुग में मैंने राजा राम के होने जैसी बात कर दी। खैर, राम से तो हम किसी की भी तुलना नहीं कर सकते, लेकिन आज भी हमारी राजनीति में एक ऐसे नेता है जिन्हें कुर्सी या सत्ता का मोह नहीं है। इसके लिए आप ये वीडियो देखिए। राहुल गांधी इज मोर सिंसियर देन एनी पॉलिटिकल लीडर आई हैव मेट। ही इज मोर इंटेलिजेंट देन पीपल थिंक ही इज। ये दोनों बातें मैं आज भी दोहरा रहा हूं। राहुल गांधी के बारे में जो चीज मैं शर्तिया तौर पे जानता हूं, और आज नहीं, मैं 15 साल से जानता हूं, वो ये है कि देश के संवैधानिक मूल्य जो है, सेकुलरिज्म, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक इक्वालिटी, इन तीनों के बारे में राहुल गांधी के मन से, अंदर से उनमें एक वो है, हाँ ये तो होना चाहिए, और ये दिखाने के लिए नहीं, बाहर वाले को बोलने के लिए नहीं, ये उनके बिल्कुल मन में है। और पिछले 15 साल में मैंने देखा है उनका कन्विक्शन पहले से ज्यादा स्ट्रांग हुआ है इन तीन चीजों के बारे में, कि ये भारत मुझे कबूल नहीं है, चाहे मैं चुनाव हार जाऊं, कुछ भी हो जाए, ये मैं कभी कबूल नहीं करूंगा। ये उनका कन्विक्शन रहा है, पहले से मजबूत हुआ है। दूसरा, उनमें एक जो मैंने लिखा है कि एक पॉलिसी इंटेलिजेंस, पॉलिसी के बारे में समझना, गंभीरता से बात करना, अमूमन पॉलिटिशियंस में वक्त नहीं होता, इंपेशेंस होती है, समझ नहीं होती। राहुल गांधी के बारे के पास जाके आप ये चर्चा कर सकते हैं कि बीड़ी बनाने वाले वर्कर के साथ क्या स्थिति है, और बीड़ी बनाने वाले वर्कर की स्थिति में सुधार के लिए क्या किया जा सकता है। आप उनके साथ आधा घंटा चर्चा गंभीर कर सकते हैं इस सवाल पे। वो ये नहीं कहेंगे अरे बीड़ी बनाने वाला मुझे छोड़ो ना यार, ये सब बातें नहीं, गंभीर इस मामले में गंभीर। तीसरा, उनके बारे में मुझे जो अच्छी चीज लगती है वो बाद में लगी है, पहले मुझे 2007-08 में इतना बेहतर मैं जानता नहीं था, वो ये है कि सत्ता के प्रति वो जो मोह, जो लाल लपकती है नेताओं की, वैसा कतई नहीं है। शायद इसलिए कि बचपन से सत्ता देखी है, बहुत इतनी ज्यादा सत्ता देखी है, तो वो जो कुर्सी का अंधा मोह होता है ना नेताओं की, कुछ भी हो बस वहां पहुंच जाए। जैसा कि आपने वीडियो में योगेंद्र यादव जी को सुना, ये ना ही कांग्रेस के नेता है ना ही किसी और पार्टी के नेता है, इसलिए हम ये भी नहीं कह सकते कि इन्होंने जानकर किसी का पक्ष लिया है। इन्होंने अपनी व्यक्तिगत राय पेश की है, और आप खुद भी देख सकते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी को लोगों का कितना समर्थन मिल रहा है, लोगों को कितना प्यार मिल रहा है, क्योंकि लोगों की उनसे कुछ उम्मीदें हैं, जनता की कुछ आशाएं हैं, जिनको लेकर जनता का ये विश्वास है कि राहुल गांधी उनके लिए जरूर कुछ करेंगे। इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, और भी खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहिए ENN भारत।